रूस के हथियार हुए खत्म, अब परमाणु बम गिराना ही आखिरी विकल्प। युद्ध के बीचों बीच यूक्रेन ने रूस को दिया बड़ा झटका। गुस्से में तिलमिला गए पुतिन। पुतिन का खेल खत्म। रूस की सेनाओं ने युद्ध करने से किया साफ इनकार। भयंकर प्रतिबंधों के बाद कंगाली की हालत में पहुंचा रूस। सैनिकों को खाने तक नहीं मिल रहे पैसे। यूक्रेन ने भारत से मांगे हथियार, क्या प्रधानमंत्री मोदी कर पाएंगे यूक्रेन की मदद? यूक्रेन युद्ध में जल्द जीत नहीं मिलने से नाराज हुए पुतिन। अपने रक्षा मंत्री को दी बड़ी धमकी। पूरी दुनिया के लिए हीरो साबित हो रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, शक्तिशाली रूस की औकात दिखा दी। युद्ध में भयंकर पिटने के बाद रूस ने शुरू की बातचीत की प्रक्रिया, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा युद्ध रुकने वाला नहीं है, कोई बातचीत भी नहीं होगी। जेलेंस्की ने रखी बड़ी शर्तें। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही नीचे कमेंट में बताएं कि जो बाइडेन को आप कैसा राष्ट्रपति मानते हैं, मजबूत या कमजोर। दोस्तों, युद्ध में जल्द जीत नहीं मिलने से रूस बौखला गया है। ऐसा माना जा रहा है कि पुतिन बेहद गुस्से में पागल हो गया है। पुतिन को अपने ऊपर काफी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था। उन्हें लग रहा था कि यूक्रेन रूस जैसे महाशक्ति के सामने एक दिन भी नहीं टिक पाएगा, लेकिन यूक्रेन ने पुतिन की बोलती बंद कर दी, रूसी सैनिकों की लाशें बिछा दी है। आखिर यह सब कैसे हो पाया, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वक्त दोस्तों जेलेंस्की अपने देश के लिए एक जाबाज फ्रीडम फाइटर की तरह लड़ रहे हैं। उन्होंने देश छोड़कर भागने से साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने दिखा दिया है कि शक्तिशाली रूस के सामने वे आसानी से हार मानने को तैयार नहीं हैं। रूस बार बार जेलेंस्की से शांति वार्ता का अनुरोध कर रहा है क्योंकि रूस के पैसे खत्म हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने किसी भी तरीके से बातचीत का साफ इनकार कर दिया है। जेलेंस्की ने कहा कि अगर बातचीत होगी तो यूक्रेन के शर्तों पर होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की रूसी हमले का डटकर सामना कर रहे हैं। वोलोदिमीर जेलेंस्की अब एक वैश्विक नायक बन गए हैं। उधर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पूरी दुनिया में विलेन बन चुके हैं। कोई भी देश रूस के समर्थन में खुले तौर पर खड़ा नहीं हो रहा है। यूक्रेन ने जबरदस्त टक्कर देकर पुतिन की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी है। इसी कारण पुतिन अब युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त करना चाहते हैं और विजय प्राप्त करने की दिशा में रुके हुए हैं और विजय प्राप्त करने की दिशा में रुके हुए प्रयासों से बेहद नाराज है। बौखलाए हुए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री पर भड़ास निकाली है। एक जाने माने विशेषज्ञ ने दावा किया है कि हर दिन जंग पर 20 अरब डॉलर का खर्च आ रहा है। साथ ही अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ अपने प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया है, जिसके बाद रूस अब कंगाली की हालत में पहुंच चुका है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मोदी जी से बात करके हथियार मांगे हैं ताकि वे अपने देश को पुतिन के अहंकार से बचा सके। भारत अभी तक रूस के साथ मीठा संबंध बनाते आया है, लेकिन यूक्रेन की मांग के बाद मोदी धर्म संकट में पड़ गए हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि किसका साथ दिया जाए। डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वे यूक्रेन पर विजय प्राप्त करने के अपने रुके हुए प्रयासों से नाराज होते जा रहे हैं और उन्होंने कई दिनों तक सार्वजनिक संबोधन जारी नहीं किया है। उनकी मैन पावर यूक्रेन की तुलना में काफी अधिक है और यह व्यापक रूप से माना जाता है कि रूस अंततः अपने पड़ोसी को जंग में हरा देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि छोटे राष्ट्र द्वारा आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी बचाव ने रूसी सैन्य प्रतिष्ठा को बुरी तरह से धूमिल कर दिया है। इसके बाद भी क्रेमलिन अभी यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने और अपनी सरकार स्थापित करने के अपने उद्देश्य से दूर है। जानकार बताते हैं कि रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों पर हमला नहीं करना चाहते थे, उन्हें जबरन युद्ध के मुंह में धकेला गया। रूसी सैनिक यूक्रेन में जाकर अपने यूक्रेनी भाइयों से मिल रहे हैं और वहां भाईचारा भाईचारा का प्रतीक दिखा रहे हैं। उन्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि कभी रूस और यूक्रेन एक देश हुआ करते थे और इसी कारण रूसी सैनिक यूक्रेन पर आत्मघाती हमला करने से बच रहे हैं, लेकिन जो रूसी सैनिक यूक्रेन की नागरिक पर हमला कर रहे हैं उनकी मौत होती जा रही है। यूक्रेन ने शनिवार को रूस को एक बड़ा झटका दिया जब उसने देश के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की हत्या के लिए भेजे गए चेचन विशेष बलों के एक बड़े समूह को कथित रूप से मार डाला। चेचन सशस्त्र समूह अपनी बर्बर हिंसा और मानवाधिकारों के हनन के लिए कुख्यात है। बता दें कि यूरोपीय संघ के सांसद रिहो टेरास ने भी रूसी हमले को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि पुतिन गुस्से में है। पुतिन ने सोचा था कि यह युद्ध बहुत आसान होगा,
और 1 से 4 दिनों में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि वर्तमान हालात को देखकर ऐसा नहीं लगता है। एक जाने माने विशेषज्ञ ने दावा किया है कि रूसियों के पास सामरिक योजना नहीं थी। युद्ध की लागत लगभग $20 मिलियन प्रतिदिन है। किसी भी देश के पास रॉकेट ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिन के लिए होते हैं, इनका इस्तेमाल कम ही करते हैं। ऐसे में रूस के पास हथियारों की कमी है। विशेषज्ञों ने कहा कि तुला और रोटेनबर्ग प्लांट रूसी सेना के हथियारों की कमी को पूरा नहीं कर सकते हैं। वे सिर्फ राइफल और गोलियां की आपूर्ति ही कर सकते हैं। रूसी सेना के लिए हथियार अगले 3 से 4 महीने में बन सकते हैं, वो भी तब जब उनके पास इसके लिए पर्याप्त कच्चा माल हो। रूसी हथियारों को बनाने के लिए स्लोवेनिया, फिनलैंड और जर्मनी से कच्चा माल आता था, जो अब प्रतिबंधों के कारण बंद हो चुका है। वहीं कुछ लोग बता रहे हैं कि अब बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब यूक्रेन अपने शर्तों पर टिका हुआ है। यूक्रेन कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बातचीत बेलारूस में हो। बेलारूस बार बार यूक्रेन से अनुरोध कर रहा है कि कृपया हमारे यहाँ आकर बातचीत कर लो, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि बातचीत तुर्की या अन्य किसी यूरोप के देश में हो। रूस और यूक्रेन की लड़ाई में अब एक निर्णायक मोड़ आता दिखाई दे रहा है। रूस की सेना कीव पर नियंत्रण को लेकर यूक्रेन की सेना से मुकाबला कर रही है। उधर कीव समेत अन्य शहरों पर भी लगातार हमले जारी है। इस बीच रूसी समाचार एजेंसी ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता करने को राजी हो गए हैं। एजेंसी के मुताबिक जेलेंस्की की तरफ से यहां तक कहा गया कि यह वार्ता जितनी जल्द शुरू होगी उतना ही जल्द स्थिति सामान्य होगी और शांति स्थापित हो सकेगी। यदि एजेंसी की खबर को सच मान लिया जाए तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर यह वार्ता किन शर्तों पर होगी और इसके मुद्दे क्या होंगे। एक जाने माने विशेषज्ञ का कहना है कि यूक्रेन को रूस की शर्तों पर ही बातचीत के लिए तैयार होना पड़ेगा। उनके मुताबिक कीव पर नियंत्रण के मायने काफी बड़े हैं। रूस यदि यूक्रेन के 9 सैनिक ठिकानों वाली जगहों पर कब्जा कर लेता है और कीव तक पहुंच जाता है तो ऐसे में उसके पास मोल भाव करने की पूरी ताकत होगी। इस बातचीत में रूस का ही पलड़ा भारी रहेगा। यह भी संभव है कि वो यूक्रेन को एक आजाद राष्ट्र की मान्यता देने से इनकार कर दे। यह भी संभव है कि वो ये प्रस्ताव रखे कि यूक्रेन को लुहांस्क, क्रीमिया और दोनेत्स्क ही रूसी क्षेत्र मानना होगा। इस बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन यह कह सकते हैं कि वो कीव से अपनी सरकार को वापस कर लेंगे, साथ ही अन्य जगहों से भी अपनी सेनाओं को पीछे हटा लेंगे। लेकिन इसके लिए यूक्रेन को यह गारंटी देनी होगी कि वो भविष्य में नाटो का सदस्य बनने के बारे में नहीं सोचेगा। इसके अलावा यह भी संभव है कि रूसी हितों के खिलाफ यूक्रेन के खड़े होने पर रूस पूरी तरह से पाबंदी लगा दे। विशेषज्ञों के अनुसार रूस चाहता है कि नाटो का विस्तार न किया जाए। वो यह भी चाहता है कि नाटो अपने पुराने अस्तित्व में ही रहे जो 2 या 3 दशक पहले थे। हालांकि यह संभव नहीं है, लेकिन नाटो के बारे में एक सच्चाई यह भी है कि उसके सदस्य देशों में शामिल तुर्की और अमेरिका को पसंद नहीं करता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।